जो हमारे झारखंड और बिहार से जो आप बालू गिट्टी ईंट गिट्टी कोयला तांबा अबरख यूरेनियम बक्साई ये सब लूट कर ले जा रहे हैं प्रतिदिन 1,00,000 करोड़ झारखंड और बिहार दोनों से, ये हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। हमको विशेष राज्य का दर्जा जितना जल्द घोषणा कीजिए, मार्च तक नहीं मार्च तक कीजिएगा तो हम जनता जनार्दन हमारी तैयार है आपको। हम लोग तो शांति करेंगे लेकिन हम लोग आपका ठप करेंगे, आपका अर्थव्यवस्था हम लोग ठप करेंगे। इसलिए हमारे झारखंड बिहार को जितना जल्द हो सके यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। कैसे नहीं दीजिएगा जी, पूरा खनिज कौन स्टेट में है, 10 तरह के खनिज उठा के ले जा रहे हैं, 13 गो डेम में किसान का जमीन डुबो दिए, झाड़ी और पत्थर बचा हुआ है उससे किसान जिएगा, उसका बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। और मोदी जी आइए हमारे साथ सर्वेक्षण यहाँ कीजिए, आके देहात हाट बाजार में जो लोग गरीब है, अंग्रेज पीछे दबले कुचे अकलियत अल्पसंख्यक, 20 किलो लकड़ी 20 किलो जामुन 20 किलो कटहर 20 किलो आम 20 किलो बरहर 20 किलो शकरकंदी ला रहा है वो परिवार, और 20-30 किलो आप चावल दे रहे हैं, क्या उससे परिवार उसका बाल बच्चा मैट्रिक का ये भी ये करेगा? कभी नहीं। इसलिए मोदी जी झारखंड बिहार में बहुत गरीबी है, 35% आदिवासी का पॉपुलेशन है, 75% अंग्रेज पीछे दबे कुचले, अकलियत अल्पसंख्यक, खोंचा वाला ठेला वाला रेरी वाला टेम्पू वाला ट्रैक्टर ड्राइवर ये लोग का बाल बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। इसलिए आपको हम कहेंगे कि बिहार और झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए ताकि हम लोग का बाल बच्चा का विशेष पढ़ाई विशेष शिक्षा विशेष रहन सहन विशेष खान पान विशेष कपड़ा विशेष मकान हम लोग को मिलेगा, विशेष पूंजी आएगा। हम लोग कितना कुर्बानी झारखंड और बिहार के लोग दिए हैं, किस लिए दिए थे, जो हमारे झारखंड बिहार का आदमी को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन नहीं, देश आजाद हुआ यहाँ झारखंड और बिहार के लोगों को ये लोग कटवाया। 1942 की घटना है, पटना सचिवालय पर 7 लोगों ने झंडा फहरा करके अंग्रेजों को भगाया, जिसमें देवीपत चौधरी रामानंद सिंह राम गोविंद सिंह राजेंद्र सिंह सतीश प्रसाद झा उमाकांत जगपति कुमार ये लोग का क्या भविष्य था, जे गोली खा करके आजाद कराया और ये बिहार को आज तक झारखंड को कोई पूरी प्रधानमंत्री हुआ सबने दर किनार करके रखा। इसलिए लोग रखा दर किनार करके जे झारखंड बिहार को आदमी को पूंजी हो जाएगा विशेष राज मिल जाएगा तो सब लोग संपन्न हो जाएगा पढ़ लिख हो जाएगा शिक्षित हो जाएगा। इसलिए हम लोग को दरकिनार किया गया, लेकिन अब हम मोदी जी जग चुके हैं, हमको विशेष राज मार्च तक नहीं घोषणा करते हैं तो हम 1 अप्रैल को स्वेच्छा से आपको हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, आपको पर डे 1,00,000 करोड़ का हम घाटा देंगे। कैसे नहीं झारखंड बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, और खनिज संपदा हम दूसरे स्टेट में नहीं देंगे, जो यहाँ कल कारखाना खोलेगा उसी को यहाँ कच्चा माल मिलेगा, और नहीं तो झारखंड से कच्चा माल कहीं नहीं जाएगा। हैं झारखंड का आदमी इतना पूर्वक बताइए, टाटा फैक्ट्री दिया, HEC के लिए किसान पर दिया जमीन, खनिज संपदा में जा रहा है, बोकारो स्टील प्लांट बैठाया गया, और यहाँ का आदमी का भुखमरी, रोड पर काम करने के लिए लोग खड़ा है, और आप कान में ढेला डाल के बैठे हैं, ये झारखंड की धरती से
पूरे देश का रोशनी होता है और पूरे देश में कल कारखाना चलता है। खनिज संपदा हम मदद करते हैं, बिजली देते हैं और हम झारखंड बिहार के आदमी नमक रोटी के लिए मर रहे हैं। लेकिन आप विशेष राज पर कभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग आपको लिखित दिए हैं, हम लोग को जल्द से जल्द जवाब दीजिए आ नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, अवश्य करेंगे। और फरक्का पुल को आपको बोल रहे हैं जब फरक्का पुल आप तोड़वाइए आ नहीं तो हम लोग झारखंड बिहार का जनता मिल करके अवश्य तोड़वाएंगे। आज बिहार में झारखंड में हत्या हो रहा है, काहे हो रहा है, इसका जिम्मेवार चुनाव आयोग। कैसे? तो जो अपराधी हो गया उसके बाल बच्चा को चाहे किसी को टिकट काहे दे रहे हैं। अपराधी को पहले जो भी एमपी विधायक हो रहा है उसका करेक्टर सर्टिफिकेट थाना से मांगा जाए। अगर सही करेक्टर सर्टिफिकेट उसका नहीं है वो आदमी को एमपी विधायक का टिकट नहीं दिया जाए। हमारा चुनाव आयोग से यही मांग है और चुनाव आयोग साहेब आपके हाथ में है। काहे अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, जो अपराधी हो गया उसके समाज में सब अपराधी प्रवृत्ति का लोग रहेगा। अपराधी इसी पर जब लगाम लगाइएगा आप तो अपराध कम होगा, आ नहीं तो एमपी विधायक को अपराधी प्रवृत्ति के टिकट देते जाइए और ये देश में कभी शांति नहीं होगा, विद्रोह होते जाए। इसलिए चुनाव आयोग साहब से हम चाहेंगे कि कोई भी एमपी विधायक खड़ा हो रहा है कोई भी पार्टी से उसका पहले करेक्टर सर्टिफिकेट थाना से मांगिए, एसपी ऑफिस से मांगिए जे आदमी ये स्वच्छ है कि नहीं है। और ये भी हम बोलेंगे झारखंड के माता बहन भाई बहन से जो हमको 1 अप्रैल को अगर विशेष राज का दर्जा मार्च में नहीं देते हैं तो 1 अप्रैल को माँ बहन हमको आप लोग भाई बंधु साथ दीजिए, इनसे हम लेंगे। मेरा अधिकार है, बिहार झारखंड के पब्लिक का अधिकार है। बिरसा मुंडा, सिंधु कांधु, शेख भिखारी, अब्दुल कलाम, टिकैतुरा, मौलाना आजाद, अलबर्ट का, ये लोग किस लिए हुए? ये लोग इसीलिए हुए थे जहाँ हमारे झारखंड का लोग बंधुआ मजदूर बन के दूसरे स्टेट में काम तलाश है। इसके लिए नहीं, अब मोदी जी सोच लीजिए, अब हम लोग इतना बर्दाश्त नहीं करेंगे कि झारखंड बिहार का आदमी गोली खाएगा, कुर्बानी देगा, आप प्लस यहाँ से खनिज संपदा लूट के आप पूंजीपतियों को धनी कर रहे हैं और डेम 13 को नहीं, मोदी जी नहीं चलेगा, अब वो बात नहीं चलेगा। झारखंड की जनता का इतना आप अपमान कीजिएगा, सब हड़प लिए और विशेष राज पर कान में ढेला डाल के मोदी जी बैठे हुए हैं। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं जे हमको विशेष राज जितना जल्द दीजिए, मार्च तक घोषणा कीजिए आ नहीं तो हम 1 अप्रैल से आपको हम आर्थिक नाकेबंदी बिल्कुल ठप करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे। बताइए प्रजा, ये लोग का कोई भी पार्टी नाम नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? ये लोग इसीलिए नाम नहीं लेते हैं कि जनता जनार्दन ऐसे ही क्रांतिकारी होगा, अपना हक के लिए जुझारू लड़ाई लड़ेगा। इसलिए लोग को दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए जनता जनार्दन, कोई पार्टी आपको कुछ नहीं करेगा, विशेष राज मिल जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, खुद आप प्रगति कर जाइएगा। इसलिए हम कहेंगे कि विशेष राज पर जनता जनार्दन हमको आप लोग सहयोग कीजिए, इनसे विशेष राज का दर्जा अवश्य लेंगे झारखंड बिहार। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।